तो वही राजस्थान के कोटा के पूर्व महाराव ब्रिजराज सिंह का आज निधन हो गया। 87 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। वे कोटा के अंतिम शासक रहे महाराव भीम सिंह द्वितीय के पुत्र थे। 21 फरवरी 1934 में जन्मे ब्रिजराज सिंह 3 बार झालावाड़ लोकसभा से सांसद चुने गए थे। तीसरी लोकसभा में वो कांग्रेस से और फिर चौथी पांचवी लोकसभा में जनसंघ से सांसद चुने गए। पूर्व महाराव ब्रिजराज सिंह के बेटे इजराज भी कोटा लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रहे हैं। इजराज की पत्नी कल्पना देवी वर्तमान में लाडपुरा से बीजेपी के टिकट पर विधायक है। ब्रिजराज सिंह का अंतिम संस्कार राजसी परंपरा से स्थानीय चारबाग में किया गया। उनके निधन से शहर में शोक का माहौल है। इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने पूर्व महाराव ब्रिजराज सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा तथा मानव कल्याण के क्षेत्र व कोटा के विकास तथा संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में उनका बड़ा योगदान रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ब्रिजराज सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका निधन एक अपूर्णीय क्षति है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी पूर्व महाराव के निधन पर संवेदनाएं प्रकट की। इसके अलावा कोटा रियासत के प्रतिष्ठित लोग और राजनेताओं ने भी पूर्व महाराव के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। की क्षमता थी तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी से, उन्होंने ये कहा कि मैडम आपकी किस्मत में तो दुख पड़ना पड़ा हुआ है, हमें भी सबको क्यों दुख देगा, आपको बॉर्डर तक हम छोड़ने जाएंगे, वो हमारा फर्ज है, आप अपने आप को भी क्यों तकलीफ देती है, यहाँ रात रुकी है। और हंस मुस्कुराई वो और रात रुकी वहाँ। ये एक बहुत बड़ी क्षति को लेकर भी काफी थे वो, बाद में उनको जो है इतनी तकलीफ थी उनको, मेरे ख्याल से उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। तकलीफ लेके तो आखिरी में भी गए होंगे, क्योंकि उनको जो गलत है वो गलत दिखता था और वो बोलते थे, मगर अब सुनने के लिए कान नहीं रहे लोगों को।